सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 22 जनवरी के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बाहरी अंतरिक्ष से अब तक के सबसे चमकीले विशाल एक्सरे का फटने का पता लगाया था? तो आंसर होगा नासा ने। अच्छा, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना हुई थी 1958 को, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और अभी एक कुछ समय पहले आपको याद होगा, नासा ने धरती से सबसे दूर स्थित एक पिंड का नाम बदल दिया। पहले उसका नाम था अल्टीमा थुले और उसको बदलकर एरोकोथ कर दिया। फिर है यूनेस्को विश्व धरोहर सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? तो ये 19 से 25 नवंबर तक मनाया गया था। अच्छा, भारत में टोटल कितनी विश्व विरासत स्थलें हैं? तो आंसर होगा 38। अभी 38 नंबर की बनी थी जयपुर। फिर है IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स इसने नाम रख लिया। फिर है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 नवंबर को। कौन सा बैंक रुपए का ट्रांजेक्शन टारगेट उपलब्धि के मामले में शीर्ष पर रहा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक। इसके चेयरपर्सन है जनक राय अंगुरल। फिर है हरियाणा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा अमित पंगाल को। ये हरियाणा के ये बॉक्सर हैं ये, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय भी हैं। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल होने वाले विजय दिवस समारोह के लिए किस देश ने आमंत्रित किया था? तो रशिया ने। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी और उसमें निमोनिया के कारण वर्ष 2018 में भारत किस स्थान पर रहा ऐसा बताया। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया के कारण वर्ष 2018 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत दूसरे स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा जो निमोनिया के कारण मौतें हुई थी बच्चों की, उसमें पहले स्थान पर था नाइजीरिया। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं? तो 12 नवंबर को। थीम क्या रही थी इस बार की? हेल्दी लंग्स फॉर ऑल। फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक सूरज पुरस्कार शुरू किए गए थे? तो आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। फिर है केंद्र सरकार की जो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी रैंकिंग है उसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा था? मुंबई टॉप पर रहा, मतलब पीने लायक पानी सबसे शुद्ध आपका मुंबई में है ऐसा बताया गया। सबसे खराब रहा था दिल्ली, मतलब पीने के लिहाज से सबसे खराब पानी है दिल्ली का। बढ़ते हैं आगे। फिर है किसे कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रमोद अग्रवाल को। इंडिया रेटिंग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो आंसर होगा 5.6% कर दिया इसने। फिर है किस राज्य की सरकार ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू परिवार यह अभियान शुरू किया था? तो दिल्ली सरकार ने। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया गया? 29 अगस्त को। महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे कब मनाते हैं? वो अपन 6 अप्रैल को मनाते हैं, और अगर इसमें एक दिन और एक महीना और जोड़ देंगे तो आएगा आपका 7 मई जो होता है वर्ल्ड एथलीट डे। नाउरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? लियोनेल आइगीमिया। नाउरू कैपिटल इसकी यरेन है। किस देश ने दुनिया का पहला फेशियल BSID यानी कि बायोमेट्रिक सीफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था? भारत ने, जो नाविक वगैरह होते हैं उनके चेहरे का बायोमेट्रिक डेटा लेने के लिए। फिर है CBDT के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, क्या नाम है CBDT के चेयरमैन का? CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। PC मोदी नाम है, प्रमोद चंद मोदी। फिर है 12वां भारत सुरक्षा शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। 25वीं सीनियर महिला नेट फुटबॉल चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सितंबर अक्टूबर की बात है, अरुणाचल प्रदेश में हुई थी। फिर है किस देश के तेज गेंदबाज जिनका नाम है सेसिल राइट, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। और इनका नाम इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि 85 वर्ष की उम्र में जाकर के इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं, तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अब कल के करंट अफेयर्स का भी हम रिविजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मनोज शशिधर को। और CBI के डायरेक्टर ये भी 2019 में नए बने थे, कौन? ऋषि कुमार शुक्ला। फिर है किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा द बैंकर नाम की ओरिजिनल फिल्म को रिलीज किया जाएगा? तो ये एप्पल की पहली फिल्म है और एप्पल का हेडक्वार्टर आपकी कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO है टिम कुक। फिर है ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इंदु जैन को। बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी लिमिटेड की चेयरपर्सन नहीं है। फिर है विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये भी स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं क्लॉस श्वैब। फिर है तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फिर है NMML यानी कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नए अध्यक्ष कौन बने? नृपेंद्र मिश्रा बने हैं। और वाइस चेयरमैन बने हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। फिर है किस राज्य में चाप चार कुट महोत्सव मनाया जाएगा? मार्च में मनाया जाएगा ये महोत्सव और कहाँ पे? मिजोरम में। फिर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 4.8%। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की हेडक्वार्टर आपके Washington DC में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये नई बनी है अभी, पहले जो थी क्रिस्टीन लेगार्ड है वो अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष बन चुकी हैं। फिर है केंद्र सरकार के द्वारा जारी यानी कि जल शक्ति मंत्रालय ने जारी किया इस जल भंडारण रिपोर्ट को, और इसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा? गुजरात टॉप पे रहा और लास्ट में रहा दिल्ली। फिर है किसने HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले को लॉन्च किया है? तो हमारे रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा, उन्होंने लॉन्च किया। फिर है किस देश ने परमाणु क्षमता वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो भारत ने किया। इसकी रेंज याद रखो 3500 किलोमीटर है और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आंध्र प्रदेश के तट के पास बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से इसको DRDO ने बनाया है। यहाँ पे के का मतलब है कलाम, अब्दुल कलाम जी के नाम पे है इसका नाम। फिर है 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव यानी कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। अच्छा, एक फिल्म फेस्टिवल आपको और याद रखना है, अभी बांग्लादेश में भी शुरू हुआ था ढाका में, 18वां ढाका फिल्म फेस्टिवल, और उसकी थीम थी बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस बेटर सोसाइटी। और वहाँ पे जो एक ईरानी फिल्म है ईरान की कैसल ऑफ ड्रीम, उसने एशियाई श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। बढ़ते हैं आगे। फिर है महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये है आपका उज्जैन में, मध्य प्रदेश उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे है। मल्लिकार्जुन मंदिर ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है आपके कृष्णा नदी के किनारे। ये ओमकारेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के किनारे ही है, यानी कि महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों आपके मध्य प्रदेश में हो गए। त्र्यंबकेश्वर ये आपका नासिक में है और ये है गोदावरी नदी के किनारे। आपको बताया भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से 4 ये मैंने आपको ऊपर बता दिए। फिर है हुंडरू जलप्रपात, जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, ये किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे है और है कहाँ पे? झारखंड में है। फिर है शिवाना समुद्र जलप्रपात, ये आपका कर्नाटक में है कावेरी नदी में, और कावेरी नदी मैंने आपको बताया था दो ही जगह में, ये है आपके तमिलनाडु में और कर्नाटक में, कर्नाटक से निकलती है तमिलनाडु में जाती है। कावेरी जल विवाद आपने सुना ही होगा, इन दोनों के बीच में ही है। फिर है तीरथगढ़ जलप्रपात, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, कौन सी नदी पे है? तो कांगर नदी पे है। आप ऐसे भी देख सकते हो कांगर वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में ही है। फिर है चित्रकूट फॉल्स चित्रकूट जलप्रपात, ये आपका छत्तीसगढ़ में ही है, इंद्रावती नदी पे है। कुंचिकल फॉल ये आपका कर्नाटक में है, कौन सी नदी पे है? तो वराही नदी पे। फिर है सोनई रुपए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका असम में है। बढ़ते हैं आगे। तो अब इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया? 5 अक्टूबर को मनाया। थीम क्या रही थी? यंग टीचर द फ्यूचर ऑफ प्रोफेशन, ये एग्जाम में पूछी गई थी, थीम याद होनी चाहिए। एक नेशनल टीचर डे भी होता है जो हम मनाते हैं 5 सितंबर को। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाते हैं, 11 मई को और 12 अक्टूबर को। थीम क्या रही थी? प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। फिर है वर्ल्ड सिटीज डे, ये हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन आपका नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को। फिर है विश्व मानक दिवस, मानक यानी कि स्टैंडर्ड डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया था। थीम क्या रही थी? वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 11 अक्टूबर को मनाया अपन ने। थीम क्या रही थी? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉप्ड। फिर है विश्व डाक दिवस, ये हमने मनाया 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया गया। नेशनल फूड डे ये हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिस दिन यूनाइटेड नेशन डे भी होता है, और एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है वो हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 16 अक्टूबर को? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर को। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम इटली में।
फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये हम 1 अक्टूबर को मनाया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये हम मनाते हैं 20 अक्टूबर को। हर साल नहीं मनाते हैं, 5 साल में एक बार मनाते हैं। 2010 में मनाया, फिर 15 में, अब 20 में मनाएंगे। लेकिन कब? 20 अक्टूबर को। एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो हम हर साल मनाते हैं 29 जून को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के शेयर करने से हमें पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर करते हो, सपोर्ट करते हो, तो वीडियो को और अच्छा और बेहतर बनाने में, कंटिन्यू रखने में हमें भी इंटरेस्ट आता है, काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि जब तक मोटिवेशन किसी काम में नहीं होगा, उस काम को करने में फील नहीं आएगा। तो प्लीज़ मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, जो भी आपका व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे शेयर ज़रूर कर दिया करें। सिर्फ आपको लिंक ही तो शेयर करना है, और सिर्फ लिंक शेयर करने से अगर आपको ऐसा मटेरियल मिल रहा है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, पिछले महीने के 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 स्टैटिक 10 डेज वाले, तो उनको सॉल्व करना और देखना कि आप लोगों से कितने बन पा रहे हैं। इससे आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। भाई आगे का पढ़ते आ रहे हैं, पीछे का तो भूलते नहीं जा रहे हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।